हेलो एवरीवन, आज डायरेक्शन के ऊपर बात करते हैं। डायरेक्शन में अगर देखें हम लोग तो दो तरह के डायरेक्शन होते हैं, एक मेन डायरेक्शन होता है और एक कार्डिनल डायरेक्शन होता है। कार्डिनल डायरेक्शन को हम लोग सब डायरेक्शन या सबऑर्डिनेट डायरेक्शन भी कहते हैं। मेन डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो देखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये मेन डायरेक्शन है। और इसी मेन डायरेक्शन को यहां अगर हम लोग देखें तो न्यूज कहा जाता है। हम न्यूज पे न्यूज देखते हैं तो वो न्यूज का फुल फॉर्म ही है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। से इसी के ऊपर मैं पहले बात करता हूं, उसके बाद इस पर आऊंगा। अगर मैं आपको कहूं कि एक राउंड सर्कल कितने डिग्री का होता है, तो आप कहेंगे सर एक राउंड सर्कल 360 डिग्री का होता है। ठीक, अगर एक राउंड सर्कल 360 डिग्री का है तो इस चार डायरेक्शन को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो आप बता सकते हैं कि 360 डिग्री को अगर चार से डिवाइड कर रहा हूं तो दो मेन डायरेक्शन के बीच में कितने डिग्री का गैप होगा। तो जब आप 360 डिग्री को चार से डिवाइड करेंगे तो हर डिग्री की जो साइज होगी 90 डिग्री। इसका मतलब यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहां पर भी 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। इसका मतलब चार डायरेक्शन को अगर मैं ऐसे बांटूं, डिवाइड करूं, तो यहां पर 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल तैयार हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल डायरेक्शन कितने हैं, तो टोटल डायरेक्शन तो 8 है। तो जब 8 डायरेक्शन है तो इसको कुछ इस तरीके से आपको तैयार करना पड़ेगा। यहां नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो अब डायरेक्शन कितने डिग्री का है, डायरेक्शन तो बदल नहीं रहा है, डायरेक्शन तो 360 डिग्री ही है, क्योंकि यह देखने में एक 360 डिग्री एक राउंड सर्कल के जैसा लग रहा है। अब आप देखिए टोटल डायरेक्शन कितने हुए, 8, और आपको पता है टोटल डिग्री कितनी होती है, 360 डिग्री। 360 डिग्री को जब ये पूरे डायरेक्शन से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाता है 45 डिग्री इच डायरेक्शन। मतलब दो डायरेक्शन, मतलब एक मेन डायरेक्शन और एक सबऑर्डिनेट डायरेक्शन के बीच में 45 डिग्री का गैप होता है। फिर एक सबऑर्डिनेट डायरेक्शन और मेन डायरेक्शन के बीच में 45 डिग्री। इसी तरीके से ये कंटिन्यू चलता रहता है कि दो डायरेक्शनों के बीच में, चाहे मेन और सबऑर्डिनेट, ये आपको देखना पड़ेगा। दो डायरेक्शन तो होंगे लेकिन एक मेन डायरेक्शन होगा और एक सबऑर्डिनेट डायरेक्शन होगा, मतलब कार्डिनल डायरेक्शन होगा, उनके बीच की दूरी 45 डिग्री होती है। ये भी 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा और ये पूरा का पूरा 45 का कैलकुलेशन बैठेगा। इसका मतलब है तो 360 डिग्री लेकिन एक्चुअल में दो डायरेक्शन, मतलब एक मेन डायरेक्शन और एक सबऑर्डिनेट डायरेक्शन के बीच का गैप कितना है, 45 डिग्री। ठीक, अब मूवमेंट्स देखते हैं। मूवमेंट दो मूवमेंट होते हैं। नंबर वन मूवमेंट होता है क्लॉकवाइज या डायरेक्शन बोल दीजिए या एंटी क्लॉकवाइज बोल दीजिए। नेक्स्ट है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मूवमेंट या क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक ही चीज है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि सर यहां पर नॉर्थ है और आपको राइट टर्न लेना है, तो आप राइट टर्न कहां लेंगे, तो राइट टर्न का मतलब है क्लॉकवाइज, तो इसे राइट भी कहते हैं, राइट टर्न। ठीक है, राइट टर्न, तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे राइट टर्न कहेंगे। और ये क्या होगा, ये लेफ्ट टर्न होगा, मतलब लेफ्ट टर्न, एंटी क्लॉक माने लेफ्ट टर्न।
राइट टर्न का मतलब है कि आप नॉर्थ से जब टर्न करना शुरू कर रहे हो, नॉर्थ से या ईस्ट से या साउथ से या वेस्ट से, किसी भी डायरेक्शन से जब आप राइट टर्न ले रहे हो, इसका मतलब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। क्लॉकवाइज का मतलब होता है एक वॉच, एक घड़ी की अगर मैं बात करूं, सपोज 12, 1, 2, 3 है, तो 12 के बाद 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ। एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, 6, 5, 4, 3, अगर मैं ऐसे बात करूं तो 6 के पहले 5 आएगा, फिर 4, फिर 3, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ। अगर आपको कहा जाए कि क्लॉकवाइज मतलब राइट टर्न लिया, तो यहां तो आप देख के बोल सकते हो कि मेन डायरेक्शन के अनुसार ये ईस्ट में टर्न करेगा अगर नॉर्थ पे फेस करके। लेकिन अगर मैं ऐसे बना दू, यहां देखिए आप, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, अगर मैं ऐसे अब डायग्राम तैयार कर दू, अब मैं आपको कहूं राइट टर्न लेगा, तो अब कहां लेगा, क्या वो ईस्ट में जाएगा या नॉर्थ ईस्ट में जाएगा, बताना बहुत मुश्किल है। जब कभी भी आपको डायरेक्शन ना बोला गया हो कि कौन से दिशा में देख रहा है वो, तो हमेशा आप एज्यूम करना नॉर्थ, आप हमेशा फेस करके खड़े रहोगे नॉर्थ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं और आपने मुझे नहीं बताया कि आप कहां देख रहे हो, तो मैं बोलूंगा नॉर्थ, फिर मैं घूम जाता हूं, घूमने के बाद अगर आप बोलोगे अब आप कहां देख रहे हो, फिर मैं कहूंगा नॉर्थ, फिर मैं ऐसे मूव कर जाऊं, अब आप पूछोगे कहां देख रहे हो, तो मैं कहूंगा नॉर्थ, फिर मैं ऐसे घूम जाऊं, तो कहीं पे भी मैं देखूं अगर वो मेंशन नहीं है कि आप कहां देख रहे हो, तो वो नॉर्थ ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि दो डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री गैप था, लेकिन मेन डायरेक्शन के बीच में, एक मेन और एक सबऑर्डिनेट के बीच में 45 डिग्री गैप होता है, जो हमने इसके पहले वाले स्लाइड में देखा। तो जब कभी आपको डायरेक्शन ना बोला हो, आप हमेशा क्या करोगे, हमेशा 90 डिग्री अज्यूम करोगे, हमेशा 90 डिग्री अज्यूम करोगे। लेकिन अगर वो बोल दे आपको कि 45 डिग्री टर्न किया, तो आप देखोगे नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट में गया। अगर आपको बोल दे कि वो ईस्ट में है, राइट टर्न कर रहा है 45 डिग्री, तो वो कहां जाएगा, साउथ ईस्ट में जाएगा। अगर वो बोल रहा है वो साउथ वेस्ट में है और 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न कर गया, तो क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे, तो वो साउथ वेस्ट में चल जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज की बात करूं, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, अगर वो साउथ में देख रहा है, अगर मैं कहूं कि वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, इसका मतलब साउथ ईस्ट में जाएगा। अगर मैं कहूं कि वो लेफ्ट टर्न कर गया साउथ से, तो इसका मतलब वो साउथ ईस्ट में जाएगा। अब इसी चीज को हम यहां क्लियर करते हैं। अगर आप नॉर्थ में देख रहे हो, अगर आप नॉर्थ में देख रहे हो, तो आपका राइट हैंड कहां होगा, आपका राइट हैंड ईस्ट में होगा, और आपका लेफ्ट हैंड कहां होगा, आपका लेफ्ट हैंड वेस्ट में होगा। अगर मैं टर्न कर जाऊं, अब आप इस दिशा में देख रहे हो अगर, तो आपका राइट हैंड कहां होगा, आपका राइट हैंड साउथ की तरफ होगा, और लेफ्ट हैंड कहां होगा, नॉर्थ की तरफ होगा। अगर मैं आप साउथ की तरफ देखूं, तो आपका राइट हैंड कहां होगा, आपका राइट हैंड होगा वेस्ट की तरफ, और लेफ्ट हैंड होगा ईस्ट की तरफ। अगर मैं ईस्ट की तरफ वेस्ट की तरफ मूव कर जाऊं, तो आपका राइट हैंड होगा नॉर्थ की तरफ और लेफ्ट हैंड होगा साउथ की तरफ। आई होप ये भी समझ में आया होगा आपको कि कैसे मूवमेंट्स को समझते हैं। लेकिन अगर यहां तक तो क्लियर था, ये चारों डायरेक्शन सब समझ में आ गए। लेकिन अगर अब कार्डिनल डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, तो क्या होगा, कार्डिनल डायरेक्शन से रिलेटेड अगर मैं देखू, तो कैसे समझेंगे। मैं अब इसे हटा रहा हूं, कार्डिनल डायरेक्शन से अगर मैं बात करूं, तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। अगर मैं इस दिशा में खड़ा हूं, अगर मैं इस तरफ फेस करके खड़ा हूं नॉर्थ वेस्ट की तरफ, आपका राइट हैंड कहां होगा, आपका राइट हैंड होगा नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ठीक है, क्योंकि अगर वो डायरेक्शन बोल दे रहा है कितना डिग्री है, तो दिक्कत नहीं है, वो जैसे बोल रहा है वैसे मूव करेंगे, अगर नहीं बोल रहा है तो 90 डिग्री अज्यूम करेंगे। तो यहां से राइट टर्न मतलब नॉर्थ ईस्ट की तरफ आएगा, और लेफ्ट हैंड कहां होगा, साउथ वेस्ट की तरफ। अब अगर वो मूव कर जाता है, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर फेस करके है, अब यहां पर फेस करके है, तो उसका लेफ्ट हैंड कहां होगा, लेफ्ट हैंड होगा नॉर्थ वेस्ट की तरफ, राइट हैंड कहां होगा, साउथ ईस्ट की तरफ। अब यहां से इसको हटा देते हैं, अब वो इस तरफ देख रहा है साउथ ईस्ट की तरफ, तो उसका राइट हैंड कहां होगा, उसका राइट हैंड होगा साउथ वेस्ट की तरफ, और लेफ्ट हैंड कहां होगा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अब यहां से इसको हटाकर मैं यहां लिख देता हूं, अब वो देख रहा है साउथ वेस्ट की तरफ, साउथ वेस्ट की तरफ जब देख रहा है, तो उसका राइट हैंड कहां होगा, राइट हैंड होगा नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, और लेफ्ट हैंड कहां होगा, लेफ्ट हैंड होगा साउथ ईस्ट की तरफ।
आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। यहां देखते हैं, अगर वो नॉर्थ वेस्ट देख रहा है तो उसका राइट हैंड कहां होगा? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। और लेफ्ट हैंड कहां होगा? साउथ वेस्ट की तरफ। अगर वो नॉर्थ ईस्ट देख रहा है तो उसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड कहां होगा? साउथ ईस्ट की तरफ। लेफ्ट हैंड कहां होगा? साउथ वेस्ट की तरफ। अगर वो साउथ ईस्ट देख रहा है तो उसका राइट हैंड कहां होगा? साउथ वेस्ट की तरफ। लेफ्ट हैंड कहां होगा? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अगर वो साउथ वेस्ट देख रहा है तो उसका राइट हैंड कहां होगा? नॉर्थ वेस्ट की तरफ। और लेफ्ट हैंड कहां होगा? साउथ ईस्ट की तरफ। आई होप आपको ये डायरेक्शन भी समझ में आए होंगे। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ सम्स करते हैं, तो अब सम्स करने जा रहे हैं। ओके okay?